दो दिन पहले ही मुंबई के अंधेरी इलाके से खबर आई थी कि अंधेरी वेस्ट में भवंस कॉलेज से नज़दीक इमारत 3 लोगों को कोरोना वायरस पॉजिटिव बताया गया है और पूरे इलाके को हाई रिस्क घोषित किया गया है। हालांकि वो खबर पूरी तरीके से सही नहीं थी। रिपब्लिक भारत के अनुसार उस इलाके को अब तक हाई रिस्क जोन घोषित नहीं किया गया है, पर यह बिल्कुल सच है कि 2 पॉजिटिव कोरोना वायरस केस वहाँ पर आ चुके हैं। अब ऐसी ही एक खबर अंधेरी के 4 बंगले इलाके से आ रही है। खबर ऐसी है कि यहाँ एक आदमी को कोरोना वायरस हो चुका है जो शिप पर रहता था और कुछ दिनों पहले ही वो यूएस से घर लौटा था। एयरपोर्ट पर चेकिंग होने के बावजूद भी उसका टेस्ट नेगेटिव आया था। घर आते ही कुछ दिनों में उनको अपने शरीर में कोरोना वायरस के सारे लक्षण नजर आने लगे और वो जोगेश्वरी के बालासाहेब ठाकरे ट्रॉमा सेंटर में जाँच के लिए पहुँचे। जांच में उनके साथ ही उनकी पत्नी का भी COVID-19 पॉजिटिव आ चुका है और बच्चों का भी टेस्ट जारी करवाया जा रहा है। फिलहाल बीएमसी डॉक्टर्स और पुलिस ने पूरी बिल्डिंग को सैनिटाइज किया है और इसके कुछ फोटोज भी इंटरनेट पर वायरल हुए हैं। इतना तो साफ है कि अंधेरी के इस इलाके में 2 पॉजिटिव केसेस हैं COVID-19 के। नोटवर्थी आप सबसे आलोचना करता है कि आप अपने घर पर सुरक्षित रहिए और सतर्क रहिए।